नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग एक ट्रांसलेटर का उपयोग करके किस तरह से हम लोग ट्रांसलेटर की ऐप बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम लोग आज जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। आई प्रोजेक्ट में जाके हमको स्टार्टिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके कर दिए तो हमारे सामने में एक ब्लैंक स्क्रीन और ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर स्क्रीन की प्रॉपर्टी हम लोग सेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग कर देते हैं अलाइन हॉरिजॉन्टल को कर देते हैं सेंटर और अलाइन वर्टिकल को कर देते हैं टॉप। तो इस तरह से ये हो गया। अब स्क्रीन का टाइटल जो है हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो हम लोग जो ट्रांसलेटर बनाने वाले वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर बना रहे थे, यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर। तो इस तरह से हमारा स्क्रीन पे टाइटल हमने सेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर आ गया। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम लोग जो भी टेक्स्ट कन्वर्ट करना है वो एंटर करेंगे। एक बटन की जरूरत पड़ेगी, जिस पर क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाएगा और एक लेबल में दिखाई देगा। तो हमको बटन लेना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और एक लेबल लेना है। तो यहाँ पर मैं एक ले लूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वन की प्रॉपर्टी सेटिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। हाइट जो है मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद वेट फिल पेरेंट कर देना है और इसको मल्टीलाइन कर देना है। हिंट पर टेक्स्ट में हम लोग लिख दें इंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। तो यहाँ पर हिंट में दिखाएगा वो, जब हम ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हिंट में आप बॉक्स में दिखाएगा इंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। अब इसके बाद हमको एक बटन की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एक बटन ले लेते हैं। बटन का नाम दे देते हैं हम लोग ट्रांसलेट बटन। तो ये ट्रांसलेट बटन हो गई, इसकी सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर नाम दे देते इसको ट्रांसलेट। ओके, तो इस तरह से हमारी ट्रांसलेट बटन हो गई। अब हमको एक लेबल की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पे हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दिखाई देगा। तो इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। हाइट जो है ऑटोमेटिक रहने देते हैं और विड्थ जो है इसको फिल पेरेंट कर देते हैं। टेक्स्ट फॉर लेबल हटा देते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट आ जाएगा। फॉन्ट साइज में यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, 16 कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक तैयार हो गया है, डिजाइनिंग तैयार हो गई है। अब हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मीडिया सेक्शन में जाके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंडेक्स ट्रांसलेटर। ये इंडेक्स ट्रांसलेटर को हम लोग यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी भी हमें सेट नहीं करनी है। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं देगा। अब हमारी डिजाइनिंग तैयार हो गई, हम जाते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो हमें करना क्या था कि जब हम लोग बटन पर क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में जो टेक्स्ट इंटर्ड है उसको ट्रांसलेट करना है। तो हम लोग ट्रांसलेट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो क्या होना है, हम लोग ट्रांसलेटर को कॉल करेंगे। कॉल इंडेक्स ट्रांसलेट, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। हमको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना, जो टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे उसको किस भाषा में हमको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैथ सेक्शन में जाके हम लोग एक कोड को ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको कोड लिखना है और टेक्स्ट कौन सा ट्रांसलेट करना है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1.txt होगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स में जो हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। हो गया। अब यहाँ पर हमको कोड डालना है, हिंदी के लिए हमको डालना है HI। ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज का यहाँ पर कोड डाल सकते हैं। तो कोड देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, Yandex ट्रांसलेटर करीब 90 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो इनके यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो Indian, हिंदी में कन्वर्ट करना है तो HI, जर्मन के लिए DE, फ्रेंच के लिए FR। इस तरह से आप जिस भी भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बटन क्लिक करने पर टेक्स्ट ट्रांसलेट हो गया। लेकिन इनको हमें दिखाना भी है, लेबल पे प्रदर्शित भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रांसलेट Yandex ट्रांसलेट गॉट ट्रांसलेशन, जब इसका ट्रांसलेशन मिल जाए तब क्या करना है, हमको लेबल 1.txt सेट लेबल 1.txt टू गेट ट्रांसलेशन। जो भी ट्रांसलेट करके देगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। इस तरह से हमारी ऐप डिजाइन तैयार हो गई है। अब हम लोग इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो AI कंपनी में जाके हम लोग चेक करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास बारकोड आ गया। अब मोबाइल में जाकर MIT AI2 कंपनी ने पे हम लोग इस तरह से मोबाइल में हमने MIT ऐप इन्वेंटर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर बारकोड को स्कैन करेंगे। ये बारकोड स्कैन हो गया। अब यहाँ पर देखोगे हमारे सामने में जो हमारी ऐप बनाई है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरह से हमारी ऐप हमारे सामने में आ गई। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ जो भी टाइप करूँगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम इज जितेंद्र, तो मेरा नाम जितेंद्र है। यहाँ पर फिर मैं चेंज कर रहा हूँ लायन, देखते हैं लायन आता है कि शेर आ गया, कैट बिल्ली। इस तरह से हम लोग किसी भी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका उपयोग हमारे ऐप में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गूगल ट्रांसलेटर जैसा एक ऐप। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।